बहनों, हम आज मिलकर सीखेंगे दो अक्षर च और य। बहन जी, कमला काम हो गया? हाँ बहन जी। अच्छा आप बता। बेटा तू जाके खेल, ये मुझे दे दे। शाबाश। अब बता, मेरी जरूरत थी वहां? ना। एक बात बताऊं बहन जी, उस वक्त तो बहुत ही डर लग रहा था। मैंने तुझसे झूठ बोला था, मुझे कोई काम वाम नहीं था, बस यही डर मैं तेरे मन से निकालना चाहती। वो तो कब का निकल गया बहन जी। एक बात बताऊं बहन जी, जो बैंक का मैनेजर था ना, बड़ा ही अच्छा था। मैनेजर? हाँ वही। याद रखो कमला, दुनिया में अच्छे लोग अधिक हैं और बुरे कम। जहाँ कहीं भी जाओ ये सोच कर जाना चाहिए कि लोग हमारी मदद को तैयार हैं, और तुम्हारे पास अगर कोई आए तो तुम्हें भी यही करना चाहिए। ठीक है बहन जी, आपकी ये जो बात है ना, मैंने दिल में रख ली। अरे हाँ, याद है ना, कल शहर जाना है, वो सब जगह देखने के लिए जहाँ से तुम्हें सामान मिलेगा, और वो सहकारी संस्था भी जहाँ तुम्हारा बना बनाया माल वो लोग खरीदेंगे। और कल तो आप भी जाओगे ना मेरे साथ? बस कल, उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम। तो क्या आप मेरे को बीच समंदर में छोड़ दोगे बहन? देखो भाई, अगर तैरना सीखना है तो बीच समंदर में तो उतरना पड़ेगा। तो मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। तो कोई साथी ढूंढ लो। साथी? मेरा कौन साथी बनेगा? अच्छा जी, तो ये भी मुझे ही बताना होगा। अरे पगली, जानती है कमला, आमतौर से क्या होता है, पति पत्नी की मदद करते हैं, सहायता करते हैं उनकी, लेकिन अपनी मेहनत से तू एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां तू अपने पति की सहायता कर सकती है। बोल, अपने पति की सहायता करेगी ना? और तू तो मुझे बता रही थी कि उसने पढ़ना लिखना भी सीख लिया। हाँ बहन जी, मालूम है वो मजूरी करने के बाद 4 मील रोज आता था और जाता था पढ़ने के लिए, और अब तो मेरे को अपने हाथ से चिट्ठियां भी लिखता है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत वाला लगता है तुम्हारा पति। आपने बिल्कुल सच कहा है बहन जी, काम से तो वो बिल्कुल नहीं थकता। अगर ऐसी बात है तो वो तो तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। तो फिर मैं उसको बुला लूँ या? हाँ हाँ जरूर, उसे भी बुला ले और उसकी माँ को भी। पगली शर्माती क्यों है? जानती है उसके आ जाने से तुझे बहुत आसानी हो जाएगी। बहन जी एक बात बताऊं? हाँ हाँ बोलो। बहन जी मैं उसका नाम बदलना चाहती हूँ। जैसी तेरी मर्जी। सच? तो उसका नाम कमल रख दूं? ये है चम्मच, इसे यूं थोड़ा छोटा कर दिया, और ये गिलास है जो ढका हुआ है। ढका हुआ पानी पीना अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन अब इसे जरा गौर से देखो, ये बन जाता है अक्षर च। क्या कहा, मुझे देर हो गई? अरे नहीं भाई, मैं तो सब कुछ छोड़कर तुम लोगों से मिलने अपने वक्त पर आई हूँ। और मुझे मालूम है तुम भी सब काम छोड़कर मेरा इंतजार करती होंगी, है ना? तो बहनों, आज हम सीखने जा रहे हैं अक्षर च। लेटी लकीर, आधा गोला, फिर ये खड़ा डंडा, और ये छत वाली लकी। ठीक है ना, मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना? चलो एक बार फिर देख ले।
बन गया च अक्षर। देखो बहनों, मेरे चांदी के पाठ भी थोड़ी देर तक खुद लिखकर देख लिया करो, क्योंकि जो अक्षर हम साथ साथ लिखते हैं ना, अगर उसको बार बार दोहराते रहेंगे तो जल्दी सीखेंगे, है ना? अच्छा अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। तुम्हें वह अक्षर तो याद ही होगा। अब देखो, एक जरा सा हाथ लगाने से ये यूं मुड़ गया तो बन गया अक्षर य। अच्छा बहनों, जल्दी से अब दूसरा अक्षर लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मैं बताती हूँ कैसे लिखेंगे। ये थोड़ा अलग तरह का अक्षर है, पर मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं। ये छोटा गोला, घूमी हुई लकीर, खड़ा डंडा, वही छत वाली लकीर। अच्छा जरा एक बार फिर देख ले। हाँ सबको आगे बढ़ना, देश करेगा खूब तरक्की जब आ गया सबको पढ़ना। जीवन के इस पथ पर है सबको आगे बढ़ना, हर देश करेगा खूब तरक्की जब आ गया सबको पढ़ना। खुद सुलझाएगा यदि हर मानव को पढ़ना और लिखना आ जाएगा। जीवन के अंधविश्वास मिटाएगा, जीवन के इस पथ पर है सबको आगे बढ़ना। वही देश करेगा खूब तरक्की जब आ गया सबको पढ़ना। प्याज खाने का स्वाद बढ़ा देती है। प य आ ज और प का डंडा हटाया तो हो गया आधा प प्याज। प य आ ल आ, यहां फिर प का डंडा हटाया हो गया प्याला। अरे भाई इस मग में क्या है? च आ य चाय। भाई असली चाय तो तुम बनाकर पियो, हम तो बताते हैं कि ये है चाय। चप्पल च प, फिर इसे आधा किया प ल
चप्पल। पहचान गई ना? ग आ य गाय। गाय बहुत काम का जानवर है, इससे हमें दूध मिलता है। खा नहीं लामोती, साबुन की बट्टी दियो कपड़ा धोने की। ले पैसे निकाल। ये क्या है? नोट है। वो तो मैं देख रही हूँ, पर कितने का? अरे 50 का है। अरे पता है मुझे, ला साबुन इधर दे। पर क्यों मौसी? अरे पहले 20 का नोट दे तब मिलेगा साबुन, 50 की गिनती मुझे ना आता है। ये तो कोई बात नहीं मौसी। कितने का है साबुन? 5 रुपए का। गौरी तूने गलत पैसे तो नहीं दे दिए? नहीं, लगता है तुम्हें गिनती भी सिखाना पड़ेगा। अरे अब तू जो कहेगी मैं सीख लूंगी, पर खबरदार किसी से कहियो मती। नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी, कितनी बार कहूं। चारपाई तो तुम सबके घर में होगी। च आ र प आ ई चारपाई, और इस पर बिछाई हमने ये चादर। च आ द र चादर, जो बिछाने और ओढ़ने के काम आती है। और इस चारपाई के होते हैं 4 पाए, और इन्हें मिलाकर बन गया एक प आ य आ पाया। चा आ का डंडा या चाय। च आ का डंडा चंद्र बिंदु द चांद। च अदमा पूरा मा। च चम्मच। प आ का डंडा य आ का डंडा पाया। आधा प या आ का डंडा ज प्याज। आधा प या आ का डंडा ल आ का डंडा प्याला। बहनों हम आज सीखेंगे 2 अक्षर ग और ळ। भाई ये अपने पंडित जी ढाबे में खड़े हैं, पर इनका ये गमछा उड़कर कहां गया? अरे ये तो बन गया अक्षर ग। जरा इस गमछे को एक बार फिर गौर से देखें, ये पंडित जी का गमछा बन जाता है अक्षर ग, और गमछा शुरू होता है ग से। नमस्ते। लो मैं फिर आ गई। भाई तुम लोग भी सोचती होगी कि मैं अपने आने के वक्त को कभी भूलती ही नहीं। भूलूंगी भी कैसे, मुझे ख्याल रहता है कि तुम लोग अपना काम खत्म करके मेरे इंतजार में बैठी होगी, है ना? सच बात है ये। तो बहनों आज हम लोग सीखेंगे अक्षर ग। ये तो इतना आसान है कि तुम सब हैरान रह जाओगी। अरे वाह बहुत ही खूबसूरत भी है। लिखे ये वही खड़ा डंडा यू, गोल बिंदी एक और खड़ा डंडा, वही छत वाली लकी, ये बन गया अक्षर ग। एक बार फिर देखें। अच्छा बहनों मैं अभी जाकर फिर आती हूँ। हाँ
तब तक तुम ये अक्षर को लिख लिख कर देखो, फिर आती हूँ। हाँ ये देखो गमला जिसमें हम पौधे लगाते हैं, ग म ल आ, है ना कितना आसान, गमला। ये गाजर खाने में मजेदार भी है और फायदेमंद भी। ग आ ज र गाजर। मकानों के बीच ये कितनी साफ गली है, ग ल ई गली। अब इसी साफ गली में कूड़ा कचरा फेंके तो ये गली कितनी गंदी हो जाती है, ग ऊपर बिंदी द ई ग ल ई गंदी गली। छोटू जी। लाला जी। तू कह रहा था तूने दर्शन सिंह का ट्रक देखा है? देखा है लाला जी, नहर के पास खड़ा है, दर्शन चाचा उसे धुलवा रहे हैं। फिर वो यहाँ क्यों नहीं आया, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। बल्ले बल्ले नीरेशमी रुमाल वालिये। ओ पंडिता, ओ तू फिक्र ना कर, मैं आ गया। अरे दर्शन, अरे आ आ भाई इधर आ। भाई पंडिता, तेरा खाना मेरे बगैर हजम नहीं होता। हाँ। और मेरा तेरे बगैर। भाई दर्शन कहाँ गायब हो गया था, जाता है तो मेरे ढाबे की सारी रौनक अपने साथ ले जाता है। पंडित, और तेरी बातें तेरे खाने से भी ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, अब पहले ये बता कि खाना खाएगा या चाय पिएगा? पंडित, चाय वा तो शहर तो चोच ले, अस्सी तो असली जट है, लस्सी दे सेट। अरे ओ छोटू भाई, दर्शन सिंह के लिए लस्सी बना कर ला। अभी लाया लाला जी। छेती कर के ला। अरे दर्शन, इस बार कहाँ से आ रहे हो? भाई पंडिता, इस बार अपने देश के दिल तक गया था। ओ, यानी के दिल्ली गए थे? आहो, भाई पंडित, दिल्ली में बहुत मजा आ गया। अरे वो तो भारत की राजधानी है। अच्छा ये बता दर्शन कि तूने क्या क्या देखा वहाँ? भाई पंडिता, देखा तो बहुत कुछ, मगर वहाँ की सड़कें भूल भुलैया हैं। फिर भी जहाँ तक देख सका देखा। अरे भाई जल्दी बता क्या क्या देखा। अब बताता हूँ बताता हूँ, और पहले पानी तो पिछवा दे। ओ अच्छा अच्छा, अबे ओ छोटू पानी दे जा दर्शन को। भाई पंडित, सबसे पहले तो मैंने कुतुब मीनार देखा। कुतुब मीनार का नाम दिल्ली शहर की पहचान है। ये मीनार लगभग 700 साल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। पुरानी दिल्ली में शाहजहां की बनवाई हुई जामा मस्जिद भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है, और लाल पत्थर से बना ये किला लाल किला कहलाता है। इसकी हर ईंट दिल्ली के इतिहास की कहानी कहती है। वही लाल किला जिस पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, जहां पे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं और भाषण देते हैं। अच्छा दर्शन, ये बता वहाँ का बाजार कैसा है? पंडिता, बाजार की तो मत पूछ। क्यों? भूल भुलैया है। अरे एक बाजार है, पाल का बाजार। हाँ। जो जमीन के अंदर है। अंदर है। क्या, जमीन के अंदर? नई दिल्ली में जमीन के नीचे बना हुआ पालिका बाजार अनोखा है। इसमें सैकड़ों दुकानें हैं और पूरा का पूरा बाजार जमीन के नीचे है। पालिका बाजार नई दिल्ली के मशहूर बाजार कनॉट प्लेस के बीचों बीच बना हुआ है। कमाल है। और क्या क्या देखा तूने वहाँ? ओ देखता तो बहुत कुछ, मगर ट्रक वापस लाना था। ये ड अक्षर तो तुम्हें याद ही होगा। अरे वही डाक वाला ड। अगर इस ड के नीचे हम एक बिंदी लगा दें, तो वो बन जाएगा अक्षर ल। ये देखो, अक्षर ड के नीचे एक बिंदी, बन गया अक्षर ल। बहनों मैं आ गई, और आज आज मालूम है मैं कौन सा अक्षर लेकर आई हूँ? अक्षर र।
पहले ये एक छोटा खड़ा डंडा ऐसे, अब उससे मिलाकर ये टेढ़ी सांप जैसी लकीर बनाई यूं, और फिर क्या है वही बिंदी, ऊपर क्या बोलो वही छत वाली लकीर। एक बार फिर देखो, ये छुक छुक करती रेलगाड़ी चलती जा रही है, लेकिन इसके पीछे ये कौन सा शब्द है? ये है रेलगाड़ी, र ए ल ग आ ड ई रेलगाड़ी। ये है लड़की, ल ड क ई लड़की। लड़की के बालों की चोटी और कान के बूंदे हटाए और बन गया लड़का, ल ड क आ लड़का। ये है गोबर गैस बनाने का संयंत्र, गोबर गैस। उपलों की तरह गोबर गैस भी गोबर से ही बनती है, मगर ना तो गोबर गैस को चलाने में देर लगती है और ना ही इसमें धुआं होता है। गोबर गैस संयंत्र लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि सरकार इसमें आपकी सहायता करती है। शीघ्र ही अपने ब्लॉक प्रमुख से पूछें। मौसी ले की ता बेटे, इस तेरे लिए लाई कुछ। ये क्या मौसी, हर दूसरे तीसरे दिन कभी फल कभी सब्जियां ले आती हो और पैसे भी नहीं लेती। अरे ये कौन से हीरा मोती हैं? मैं जो कुछ भी लाऊं अपने खेत का ही तो होवे है। मैं तुझे नहाने का साबुन तो देती नहीं, जो मैं खुद ही बाजार से खरीद के लाऊं। अरे आरी, अरे सुशीला की माँ, आओ बैठो बैठो। लड्डू ये किस खुशी में? सुशीला की शादी पक्की है गई है और अगले हफ्ते उसके ससुराल वाले आवेंगे, दिन तारीख तय करने को। अरे सुशीला की शादी, हमें पता ही ना है। तभी तो लड्डू देकर सबको बताने जा रही हूँ। कब है शादी है, हुई कब ये? ये तो मुहूर्त से पता चलेगा, पर इसके बापू को जल्दी बहुत लगी है, कह रहे थे दशहरे पे कर दूंगा। दशहरे पे? ये तो बहुत गलत बात है। एक बात तो ये कि वो अभी पढ़ रही है और दूसरे वो भी बहुत छोटी है। छोटी कहाँ है बहन जी, वो तो 15 साल की हो गई है। फिर भी शादी के लिए तो छोटी है ना, है? रहने दो मौसी, मेरा ब्याह तो 14 बरस की उम्र में हो गया था और गौना भी। हाँ हाँ पता है, प्रेम की माँ लाजवंती को भूल गई, 14 की उम्र में उसका बेटा हो गया था, फिर 3 दिन के बच्चे को छोड़ के चल बसी। मौसी तुम्हारी शादी भी तो कच्ची उम्र में हुई थी। हाँ हुई थी, खुशी का नतीजा तो आज तक भुगत रही हूँ। देखो जो लाजवंती के साथ हुआ वो सुशीला के साथ भी हो सकता है, क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी लड़की? भगवान ना करे। अरे सुशीला की माँ, कच्ची उम्र की शादी में औरत मरे ना तो भी अधमरी तो हो जाती है, तो ऐसी बेफिजूल शादी से फायदा? अब तो सरकार ने भी कानून बना दिया है कि 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं हो सकती, और फिर हमारे गांव की पंचायत ने भी तो तय कर दिया कि 18 से कम की उम्र में लड़की की शादी करे तो हुक्का पानी बंद। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया मौसी, और मेरे इतने सारे लड्डू। तो इसमें परेशानी क्या है, आगे जाके कह देना कि उसके पास होने की खुशी में। पास होने की खुशी में इतने सारे लड्डू? अरे बुद्धू, पास होना शादी होने से बहुत बड़ा होता है, समझी? और मरी क्यों जा रही है, लड्डू के पैसे मुंह से ले लीजिए। हाँ, सुशीला मेरी भी तो बेटी है। सा ड का सड़क, ल ड क आ का डंडा,
लड़का ल ड़ा क पड़े की मात्रा लड़की ग आ का डंडा या गाय ग म ल आ का डंडा गमला ग आ का डंडा ज र गाजर ग बिंदु द बड़ी की मात्रा गंदी शिक्षा दी जला के अपनी मंजिल पाना है।